सर आज कहाँ का औचक निरीक्षण किया और क्या पाया आपने यहाँ पर? देखिए हम यहीं थे, हम पहले बड़ा चौराहे में थे, फिर हम इधर की ओर आए हुए हैं, परेड की ओर आए हुए हैं वहाँ से। तो उसमें आप लोगों ने देखा कि कुछ यहाँ पर अवैध पार्किंग की वजह से और कुछ टेक्निकल दिक्कतें हैं, जहाँ पर जो चौराहे का डिज़ाइन है वो गलत बना हुआ है, उसको ठीक कराने का हम लोगों ने पहले सोच रखा था। और बाद में जब यहाँ की ओर आ रहे थे तो काफ़ी इंक्रोचमेंट्स यहाँ पर दिखे जो कि कायदे से नहीं होने चाहिए, और उसकी वजह से ट्रैफिक फ्लो में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। और ये जो इंक्रोचमेंट्स हैं वो यहाँ की आम जनता को काफ़ी परेशान करते हैं, और इस वजह से जो जनता जिसको यहाँ चलना चाहिए वो यहाँ ना चल के उसको फिर रोड के बीच में चलना पड़ता है। उसके अलावा हमारे साथ नगर आयुक्त साहब भी हैं, तो आप भी काफ़ी, आप भी इधर आ जाओ, आप उधर के पीछे छुपे हुए क्यों आप? तो आप भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, और आपने यहाँ पे काफ़ी प्रयास करके शहर को बहुत अच्छा बनाया हुआ है। तो लेकिन ये हर, क्योंकि हम लोग हमेशा हर चीज़ को सीखते हैं, जानते हैं, तो ये भी हमारी लर्निंग्स हैं जो आप लोगों के माध्यम से हमारे पास फीडबैक मिलता है, उसमें ही हम लोग काम करते हैं। तो अब इसमें हम लोगों ने निर्णय लिया है कि कुछ चौराहों को, जिसमें एक बड़ा चौराहा है आगे यहाँ है, उसके आगे कुछ जगह हैं, उनको हम पहले चरण में यहाँ से साफ़ करेंगे, और कानपुर की जनता को कुछ ऐसी चीज़ देंगे जिससे उनको कुछ अच्छा लगे, क्योंकि बहुत लंबे समय लोग ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, परेशान रहते हैं, पॉल्यूशन बढ़ता है, हर तरह की समस्याएँ होती हैं। तो उसी वजह से आज हम सभी ने, ये नगर आयुक्त साहब ने भी यही सोचा था, मैंने भी सोचा था, कप्तान साहब ने भी सोचा था, आप एक्स PWD हैं, एडिशनल SP ट्रैफिक हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि हम बातें देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, क्यों ना एक बार मौके में जाके देखें। तो सामूहिक रूप से हमने देखा था, और हमने बहुत सारी परेशानियाँ देखी, और उनमें बहुत सारी परेशानियाँ ऐसी जिसका तात्कालिक निवारण हो सकता है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है। तो इसमें आप लोगों का सहयोग भी चाहिए होगा, और एक जन वो बनाने के लिए एक ये बात जो है जनता से आनी चाहिए, जनता इस बात को मैसेज भी करे, देखे भी, अगर आप लोग भी अगर ऐसे कोई लोग जाम वाम लगा रहे हैं, खुद टोकें, इन सबको करें। और साथ में क्योंकि मुझे एक माध्यम मिल रहा है, मैं इसलिए एक और अपील जनता से करूँगा। देखिए एक तो ये चीज़ें हैं, आगे हम लोगों ने पॉलीथीन बैन कर दी है, लेकिन हमने एक अभियान भी चलाया था, पॉलीथीन बैन भी हो गई थी, लेकिन फिर से जो है हो गई है। इसमें जनता का सहयोग सबसे महत्वपूर्ण है। तो अब आगे अगर हम देखेंगे तो फिर अगर किसी कोई अगर पॉलीथीन में कोई अगर हमारे सज्जन ले जा रहे हैं, उनको टोकें और उसके बाद उन पर जुर्माना करें, वो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो और वो उनके स्वास्थ्य के लिए और नगर के साफ़ सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए बहुत ही जो है आवश्यक है कि पॉलीथीन का परित्याग करें और पर्यावरण के पास जाएं। तो अब मैं SP साहब से कुछ कहूँगा, आप बताएंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे नगर आयुक्त साहब और SP ट्रैफिक साहब हैं, ये दोनों अपनी बात बताएंगे। सर आइए, कई बार आप लोगों ने एक्शन लिया है, आज एक्शन लिया है, एक्शन के बाद एक रिएक्शन आता है कि एक हफ्ते के अंदर आप इस बार देखेंगे कि इस बार ये बहुत ही संयुक्त प्रयास है, जिलाधिकारी महोदय स्वयं हैं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, बाकी सारे विभाग के लोग हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा, ये हम लोग इंश्योर करेंगे। आज यहाँ पे पब्लिक एड्रेस सिस्टम से अनाउंसमेंट हो रहा है, और अनाउंसमेंट के बाद यदि कल से इस तरह का अतिक्रमण पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। और बाकी हम लोगों ने शहर के कई चौराहे जिला प्रशासन, जिलाधिकारी महोदय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर चयनित किया है, और उन सारे चौराहों को हम लोग मॉडल बनाएंगे। अभी हम लोग बड़ा चौराहा ले रहे हैं, कारसेट चौराहा, विजयनगर और नौरौना, तो ये चार चौराहे पे अभी तात्कालिक फोकस है, इसके बाद इसको हम लोग और शहर में रेप्लिकेट करेंगे। तो जो सारी व्यवस्थाएं हैं, विशेष रूप से आवागमन बाधित ना हो और चौराहे का सौंदर्यीकरण हो, इन दो चीज़ों को लेकर हम लोग इस पर वर्क कर रहे हैं, और जन सुविधा यदि कहीं पे जरूरत है तो जन सुविधा भी हम लोग यहाँ पे बनाने का प्रयास करेंगे।